डायबिटीज हो गया। तो हमने कल एक पेज, दो पेज, और हम ये तीसरे पेज पे थे जिसमें आपको ये एक्टिविटी मिली थी। तो चलो एक्टिविटी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है लीना, रीड द स्टेप्स। Step one, draw the car using the polygon tool. Use the oval tool to make tires. Use the rectangle tool to make the windows and विंडो। exhaust pipe of the car. Step two, draw the door outline and handles using the line tool. Use the laser tool to raise the lines inside the tires. Draw the smoke using the brush. Step three, draw the sun using the oval. Use the curved tool to draw it raised. Draw the face using the oval and curved tool. Step four, fill with the colors of your choice. ओके, एक मिनट मैं बुक ले आऊं, फिर हम प्रैक्टिकल करते। ओके मैम। ओके, तो लीना फर्स्ट स्टेप बेटा आप याद रहे ना, सबसे हमें पॉलीगॉन से क्या बनाना है, कार बनाना है। तो आप एक मिनट रुको, मैं पेंट ऑन करती हूँ। अलीना पेंट दिखने लग गया है। ओके, यस मैम। द कार यूजिंग द, किसका यू क्या यूज करना है हमें? ड्रॉ द पॉलीगॉन। यस, तो सबसे पहले हम एक पीछे, ये यहाँ एक लाइट है, उसके बाद हम दोबारा से क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम फिर से क्लिक करके लेंगे। हाँ है। उसके बाद ये गलत हो गया, इसको हम इरेज करेंगे।
ओके, तो हमने कार को ड्रॉ कर दिया है, अब इसके आगे क्या करना है? तो ऑप्शन हमारा जो वन था वो हमने यूज कर लिया, यूज द ओवल टूल टू मेक टायर्स। अब टायर्स बनाने के लिए हमें कौन सा टूल लेना है लीना? ओवर टूल। तो अब हमें क्या करना है, यूज इट। ओके, इसको अब हमें यहाँ पे लगाना है। ओके, मिनट, ओके, ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है अब यूज रेक्टेंगल टूल टू मेक द विंडोज। ओके, अब हमें विंडोज बनानी है, तो अब हमें चाहिए, पहले हम ये बनाते हैं विंडो का जो गेट होता है। और ये बनेगा सिर्फ तीन, और बस उसके बाद हमें बनाना है रेक्टेंगल की हेल्प से। तो रेक्टेंगल देखना है क्या यहाँ पे कहाँ है, ये हमारा रेक्टेंगल है, तो हम पहले एक खिड़की बनाएंगे, फिर दो खिड़की बनाएंगे, फिर तीसरी खिड़की बनाएंगे, और एक छोटी सी खिड़की बनानी है जो कि तो हम बनाते हैं इसकी, तो ये बन गया। अब हमें हैंडल्स बनाने हैं, तो हैंडल्स ऑब्वियसली हम ऐसे बनाएंगे बस, और एक यहाँ पीछे, तो ये हमारा हैंडल बन गया। अब था हमारा क्या बनाना है, हमें ड्रॉ द डोर आउटलाइन एंड द हैंडल यूजिंग द लाइन टूल, यूज द इरेज टूल टू इरेज द लाइन इन साइड द टायर, ड्रॉ द स्मोक। तो अब हमें क्या करना है, अच्छा टायर के अंदर एक और छोटा सा ये था, तो अब हमें क्या बनाना है, हमने टायर्स बना दिए हैं, हमें एक सन भी बनाना है विद हेल्प ऑफ ओवल एंड पेंसिल लाइन से। क्या करना है, हमें लेना है, यूज करना है पेंसिल, और इसके आगे ऐसे बनाना है, पर पेंसिल जो है वो डार्क यूज करनी है। हम ये कर सकते हैं, तो ये हमारा बन गया। अब हमारा फिफ्थ, अब हमारा थर्ड है, ड्रॉ द सन यूजिंग द ओवल टूल एंड यूज द कर्व। ओके, हम ये भी यूज कर सकते थे, और उसके बाद हम ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता, पर हमने ये यूज नहीं किया। अलीना, समझ में आ रहा है? यस ड्रॉ ए ड्रॉ एंड ड्रॉ द फेस स्माइल विद द, ओके, अब मैम। हमें एक फेस स्माइल ड्रॉ करना है, पहले की आईज बनानी, उसके बाद एक और आईज बनानी है, एक तो ड्राइंग करना इतना है, उसके बाद एक प्यारा सा वो बनाना है,
ये तो भूत ही बन गया। चलो कोई नहीं, भूत ही सही। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है फिल विद द कलर ऑफ योर चॉइस। तो अब कार बना ही रहे हैं तो कार के आगे लगा देते हैं एक लाइट जो कि यहाँ पे लगा होता है, और एक पीछे जो रेड लाइट लगी होती है, और एक हवा जो हवा निकलती है। हाँ तो मे भी कि अब बन गया है हमारा, तो अब हम इसे कलर फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी हमें कलर फिल कलर चूज करना है, कोई भी आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। अब कार में जो है, कार में हल्का ग्रीन कलर है, एडिशनल पे जाके आप अपने कलर को यूज कर सकते हो। ओके करो और यहाँ फिल कर दो। उसके बाद अब हमें छोटे छोटे में फिल करना है। आप या तो पेंसिल की हेल्प से कर लो, या तो अगर आपको फिल वाला ऑप्शन करना है तो फिल वाला कर दो। तो हमने यहाँ कर दिया पीछे कार में, यहाँ पे रेड लाइट होती है, और ये जो यहाँ पे पोल्यूशन वाला जो ये होता है धुएं वाला, ओ ये हो गया इस पे। अब हमें ये चूज करना है और फिल करना है इस पे। और अब हमारे पास टायर है, टायर मर्जी है अपनी, कुछ भी बना लो, हम ब्लैक बना लेते हैं। अब बच गई खिड़की। अब खिड़की पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही। अब एक पंगा और पै गया, यहाँ पर भी हमें भरना था क्योंकि हो गया। अब ये जो सन है जो कि भूत लग रहा है, इसमें हम कलर करेंगे येलो। अब अगर हम लोग पेंसिल के साथ इस ब्लैक वाले को करते विद हेल्प ऑफ कलर तो ज्यादा ब्यूटीफुल होता। जैसे कि चलो एक बार हम करके देखते हैं। जैसे हमने कलर चूज कर लिया और पेंसिल ऑप्शन चूज कर लिया, और हमने ऐसे ऐसे किया, तो अगर हम विदाउट ब्लैक के करते तो ज्यादा अच्छा लगता। हम इसको डिलीट करके भी कर सकते हैं, पर ठीक है, हमें अब जस्ट प्रैक्टिकल करना था तो वो हमने कर लिया है। अलीना क्लियर? ओके मैम। चलो तो हम चलते हैं बुक पे। बुक कहाँ चला गया? यही है। ओके ये आ गया कुछ। ओके तो अभी हमने ये प्रैक्टिकल किया जो कि हमारा एक्टिविटी लैब था, वो हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे आ गए कलर पिकर टूल। अब कलर पिकर टूल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि कलर पिकर क्या होता है। तो सबसे पहले अलीना आप यहाँ पे रीड करो। कलर पिकर टूल, द कलर पिकर टूल इज अ वेरी यूजफुल टूल टू सेलेक्ट अ कलर फॉर अन स्केटिंग 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 ऑब्जेक्ट फिलिंग इन टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। इट हेल्प्स अस टू पिक एग्जैक्टली द सेम कलर 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 यूज इन एनी ऑफ द ड्राइंग। टू यूज दिस टूल फॉलो द स्टेप्स शो बिलो। गुड। सो द कलर पिकर, कलर पिकर जो टूल होता है वो ऐसे दिखता है। जैसे आपने देखा होगा बेबी ड्रॉपर होता है, उस पे एक ऐसा कैप लगा होता है जिसमें बेबी को हम लोग, जब वो न्यू बॉर्न होता है तो इसमें हम लोग दवाई या वाटर कुछ भी फिल करके उसके मुंह में डालते हैं और इसको दबाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कलर पिकर। इसको मतलब ऐसे हम दवाई मतलब इसको पिकर बोलते हैं, लेकिन इसमें जो टूल में है पेंट टूल में, इसको हम कलर पिकर बोलेंगे। अलीना आपने देखा है कभी? क्या मैम? जैसे ये शेप में बना है, मैंने बोला जब बेबी होता है तो एक ऐसा दवाई, मैम दवाई के साथ एक ऐसा गैजेट, एक थिंग आती है, चीज आती है। हाँ गुड, बस ये वैसा ही टूल डिजाइन है। गुड। सो इज इट इज ए वेरी यूजफुल टूल, ये बहुत यूजफुल टूल है। टू सिलेक्ट कलर फ्रॉम, मतलब हम किस में से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें कार में कलर करना था तो हम लोग कहाँ पे गए थे, मैं भी आपको जाके दिखाती हूँ। हम यहाँ पे गए थे एडिटिंग विद ए पेंट 3D। ये थोड़ा मॉडर्न है इसलिए यहाँ पे पेंट 3D लिखा है, वरना हमारे वहां वो लिखा होता।
एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कोई भी चीज है उसमें अगर आपको कलर फिल करना है एनी अदर ऑब्जेक्ट किसी भी चीज में, तो ये आपकी हेल्प करता है तुरंत क्विकली द सेम कलर सेंड इनटू दिस एनी ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग में कहीं पे भी अगर आपको जल्दी कलर करना है तो पिकर टूल आपकी हेल्प करेगा। टू यूज दिस टूल फॉलोइंग दिस स्टेप, तो ये स्टेप्स हमें तीन दे रखे हैं, तो अलीना रीड द स्टेप्स एंड वी डू प्रैक्टिकल। Top one, click on the color picker tool in the tools group. Step two, click on the color in the picture that you want to settle. Settle has color one. The color one option change to color pick. Step three, select the pin with color tool. Has click on another closed part of the picture to fill the select box. ओके तो स्टेप वन में हमें बताया है क्लिक ऑन द कलर पिकर टूल इन द टूल बार्स। तो चलो पहले हम चलते हैं अपने पेंट पे। तो ये जो हमने किया है इसको हम सेव भी कर सकते हैं, या तो हम फाइल पे जाके सेव एज करके जिस पे भी हमें जहां भी सेव करना है जिस नाम से सेव करना है, लाइक कार नाम देना है, कार विद सन नाम देना है, तो हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें शॉर्ट वे में सेव करना है तो हमें दबाना है कंट्रोल एस। अभी मैं दबाती हूँ कंट्रोल एस। अब यहाँ पे ऑप्शन खुल गया। अब मेरी मर्जी है मैं किसी में भी किसी नए फोल्डर को बना के सेव करूँ या कहीं भी सेव करूँ, कोई भी नाम का टाइटल दो, ठीक है। तो इसको हम सेव नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे न्यू पे जाएंगे, न्यू पे करें क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू सेव या चेंज टू। अब हमें ये सेव नहीं करना, तो हम लिखेंगे डोंट सेव। तो अब ये हमारा यहाँ पे आ गया है एक नया पेज ओपन होके। अब एक मिनट लीना वेट करो। ओके, तो यहाँ मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी है। अब स्टेप वन में है हमारा है कि क्लिक ऑन द कलर पिकर टूल। तो कलर पिकर टूल अब यहाँ पे कहाँ है हमें देखना पड़ेगा। तो जो कलर पिकर टूल है वो यहाँ पे ये रहा टूल में। तो हमने कलर पिकर टूल क्लिक कर लिया है और उसके बाद क्लिक ऑन द कलर इन पिक्चर। अब कोई यहाँ पे ना पिक्चर बनाना पड़ेगा हमें, ये सबसे डिफिकल्ट है। ओके तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने ये बनाया है, इसको हम जॉइंट भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, छोटा बड़ा कट। तो इसको हम करेंगे डिलीट। तो जब आप किसी तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है पिकर कलर पे, कोई भी एक कलर पिक करना है और उसको क्या करना है, आप उस कलर से कुछ भी मतलब उसी में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपको आपने चुना है कि आपको करना है बादल, तो बादल के लिए ब्लू कलर चूज कर लो, पिकर पे जाओ, बादल चूज करो। और मैंने ब्लू कलर चूज कर लिया है, पहले इसको करती हूँ मैं कट।
इसमें खिचड़ी पक गई है, इसको हम करेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको पिकर चुनना है और बादल पे जाना है और उसके बाद पिकर चुनना है। पहले सबको चुनने के बाद तो आप यहाँ पे देखो जिस कलर का आपको बनाना है, जैसे कि आपको मान लो कोई स्टार बनाना है विद कलर। अब कलर हम इसमें स्टार में क्या कर सकते हैं, हमने येलो चुन लिया है क्योंकि अगर व्हाइट चुनूंगी तो फिर व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा। अलीना क्लियर हो गया कैसे यूज करना है? यस मैम। हाँ तो अब इसको हम करते हैं कट। अब हम आगे जाते हैं। अब है यहाँ पे ओके मैग्नीफायर टूल। अब मैग्नीफायर क्या होता है? द मैग्नीफायर टूल इज यूज टू जूम इन, मतलब किसी भी चीज को जो हम जूम करके देख सके उसको हम मैग्नीफायर कहते हैं। मैग्नीफायर ऐसा होता है, आपने देखा है कभी? ऐसे होता है। यहाँ पे भी एक वो होता है, देखा है लीना? हेलो, मेक अपियर लार्ज और मैग्नीफायर ए पार्ट ऑफ द पिक्चर टू सी द मैग्नीफायर टूल फॉलोइंग दिस स्टेप्स। तो हम लोग इसमें इस मैग्नीफायर का टूल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैग्नीफायर पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा मैग्नीफायर टूल कहाँ है। तो यहाँ मैग्नीफायर टूल है, हम इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको किसी भी चीज को कितना भी जूम करके देख सकते हैं। आप देख रहे हो, हम जूम से जूम कर रहे हैं और हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम किसी भी चीज को छोटे से छोटा जूम करके देख सकते हैं। अलीना मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। और इसमें लिखा हुआ है राइट क्लिक ऑन द पिक्चर टू रिटर्न द नॉर्मल साइज। जब हम राइट साइड में क्लिक करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा। तो वो मर्जी हमारी है हम कितना करेंगे। बस उसको सिलेक्ट करो और करो डिलीट। अलीना मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ मैम? जितना मैंने समझाया समझ में आया? यस मैम। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है लीना। बाकी ये सारा हम कल करेंगे ओके थोड़ा सा में। और आप थोड़ा और चीजें लर्न कर लेना जो पेपर में आनी है। ठीक है, ओके बाय बाय लीना।